जब कोई किरण समांतर जाती है तो फोकस से होके जाती है, तो फोकस से होके जाएगी यहाँ से, किरण आरेख बनाइए जब वस्तु फोकस पर होती है। हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं पीवाईक्यू एक, किरण आरेख बनाइए जब वस्तु फोकस पर हो, यदि अवतल दर्पण हो तो इसकी प्रकृति बताओ। देखिए हमारे पास ये एक अवतल दर्पण कह रहा है कि है उसकी प्रकृति बताओ और किरण आरेख बना के दिखाओ जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, फोकस पे रखी हो। ये एक साइंस का क्लास टेंथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए जल्दी से इसको पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक आपके पास अवतल दर्पण है, दर्पण अवतल है क्या सर? अवतल दर्पण, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण, तो मैं अवतल दर्पण बना ले रहा हूँ एक। यहाँ पे ये पीवाईक्यू है इसलिए आप ध्यान दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बार के लिए भी आने की संभावना बहुत है इसकी। तो मैं यहाँ पे अवतल दर्पण बना रहा हूँ, सिंपली आपको पता होगा अवतल दर्पण में जो ये लेप लगा होता है वो उभरे हुए सिरे पे लगा होता है, उभरे हुए सिरे के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने अवतल दर्पण बना लिया, इसकी फोकस दूरी, और ये यहाँ पे मैंने कहीं ध्रुव ले लिया, ध्रुव पी जिसको बोलते हैं पी, और यहाँ से मैं इसकी मुख्य अक्ष बनाने चल रहा हूँ। मैं पटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बोर्ड चिकना है, सीधी लाइन नहीं जाएगी अगर पटरी ना ली तो, इसलिए स्केल से मैं अच्छे से खींचूंगा, आपको अच्छे से विजिबिलिटी भी आएगी इस तरह से। ये लो हो गया, मैंने खींच लिया, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको ताकि अच्छा डायग्राम थोड़ा अच्छा बन जाए, क्योंकि डायग्राम्स बढ़िया बनना अच्छा जरूरी है, एग्जाम में डायग्राम पे नंबर बहुत मिलते हैं बहुत आराम से। ठीक, मैं यहाँ पे फोकस दूरी ले रहा हूँ, फोकस ले रहा हूँ आपका एफ, उतनी दूरी पर मैं अपना वक्रता केंद्र ले रहा हूँ सी, और कहा है इसने हमको, कह दिया है कि जब वस्तु फोकस पर हो तो हो, यदि अवतल दर्पण हो तो बताइए। वस्तु कहाँ पे रखना है हमको, फोकस पे रखना है, वस्तु को हमको फोकस पे रखना है। तो मैं कोई वस्तु ले रहा हूँ, ऐसी है जो मेरी वस्तु, और यहाँ पे मैंने ले लिया। अब किरण आरेख बनाना है जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पर हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक किरण इस पर आपतित कराऊंगा जिसको मैं समांतर ले रहा हूँ, आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैं समांतर ले रहा हूँ, तो मैं इसको समांतर आपतित कराऊंगा। यहाँ से देखिए मैं इसको समांतर आपतित कराऊंगा इस पर, जब मैंने समांतर आपतित कराया तो यह कहाँ से जाएगी, सबको पता है जब कोई किरण समांतर जाती है तो फोकस से होके जाती है, तो फोकस से होके जाएगी यहाँ से। किरण आरेख बनाइए जब वस्तु फोकस पर हो, तो ये यहाँ से इसको आपतित कराई मैंने ऐसे, यहाँ से होकर ये परावर्तित हो गई, दर्पण से टकराने के बाद इस दर्पण पर टकराई, अवतल दर्पण इस पर टकराने के बाद यह परावर्तित हो गई, यहाँ से ऐसे चली गई, चली गई। तो एक किरण ले ली, क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब की यहाँ पे तो इसकी प्रकृति नहीं, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो आप इसको मिस्टेक को दूर कर लेना, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, ठीक है, तो इसको सही कर लेना। और यहाँ से जब ये किरण गई तो ये किरण इधर से गुजर गई, अब परावर्तित हो गई। तो जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है, तो एक किरण तो हमने ऐसे ले ली, एक किरण आप दूसरी किरण को इसी ले, कहीं से भी ले, आप चाहे तो पी से आपतित कराए और यहाँ से परावर्तित हो जाएगी किरण, और आप चाहे तो सी से भी ऐसे आप परावर्तित करा सकते हैं। देखिए सी से मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे सी से भी ले सकते हैं, तो मैं सी से ले ले रहा हूँ, ठीक है, मैं सी से ले ले रहा हूँ, आप देखिए जरा मैं सी से ले रहा हूँ और ऐसे वक्रता केंद्र से, यानी कि ये वक्रता केंद्र से मैंने लिया और ये जा रही है ऐसे, देखिए ये परावर्तित हो गई। आप जरा देखिए इसको आगे ऐसे 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 कर दें जिससे आपको पता चले कि ये आगे कहीं मिलेगी नहीं, देखिए कहीं भी लेके कितना भी लेके जाएंगे ये इधर से, देखिए जो किरण, ये किरण है जो इधर गई टकराई, चूंकि वक्रता केंद्र से किरण आपतित हुई है इसलिए वक्रता केंद्र से ही वापिस चल जाएगी। ये इसका गुण है किरण का कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो उसी मार्ग से वापस चली जाती है। तो मैं वक्रता केंद्र से आपतित कराया हूँ इसलिए इधर ही उसी मार्ग से वापस लौट गई, ये कहीं भी भटकी नहीं। तो आप देखिए जरा से इसको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब तो अनंत पे जा रहा है, तो कहीं मिल ही नहीं रही है, इसका प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, अनंत पे बन रहा है, तो इसकी प्रकृति लिखेंगे, तो प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो मैं वही लिख रहा हूँ, प्रतिबिंब की प्रकृति, इस प्रतिबिंब की प्रकृति में नंबर एक मैं लिख रहा हूं कि नंबर एक वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बना, वो बना अनंत पर, तो कहां पर बना,
प्रतिबिंब बना है अनंत पर। नंबर दो, जरा देखिए वस्तु हमारी इतनी बड़ी है और अनंत पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो बहुत बड़ा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। और नंबर तीन, जितनी बातें आपको पता हो सके उतना लिख देना चाहिए, ठीक है। देखिए वस्तु हमारी सीधी रखी है इस तरह से, अगर मैं इसको ए बी मानूं, ये एफ है, एफ को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अगर मैं इसको ए बी मानूं तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसा तो बनेगा नहीं, वो क्योंकि नीचे जा रहा है इसलिए उल्टा बनेगा। तो क्योंकि अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं, तो वास्तविक भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। और अवतल दर्पण में सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आभासी बनता है, बाकी सब में क्या बनता है, वास्तविक ही बनता है, जिसमें भी वास्तविक ही बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये हमने सारी बातें इसको लिख दी, अब इसके अलावा और कोई बात बची नहीं है इसमें लिखने के लिए, सारी बातें हमने इसकी प्रकृति बता दी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। यहाँ पे आप लिख लेना अवतल दर्पण हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो मैंने सारी प्रतिबिंब की प्रकृति आपको बता दी, सब कुछ समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे PYQs। आप हमारे वीडियोस को देखिए, हमने एक PYQs क्या पूरे इंपॉर्टेंट की एक प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है, आप जाके चैनल पर देखिए, तो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट तैयार करके रख दी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें, सारे इंपॉर्टेंट है, आप उतना पढ़ के चले गए तो जरूर एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें जिससे हमारी वीडियोज मिलती रहे आपको। थैंक यू।